हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो सुबह से जो है मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था, बट जो है कंटिन्यू ही नहीं कर पाई ब्लॉग को। तो अभी जो है थोड़ी सी फुर्सत हुई हूँ, थोड़ी सी फ्री हुई हूँ, तो सोचा कि ब्लॉग को कंटिन्यू किया जाए। पीछे जो है कपड़े लटक रहे हैं, विवेक ने जो है वहाँ पर रस्सी बांध के दिया है, क्योंकि जब भी कभी बारिश आती है तो फिर कपड़े डालने के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती थी, इस वजह से जो है फिर यहाँ पे रस्सी बांध दिए विवेक ने। तो अभी बाहर बारिश चल रही है, हल्की हल्की सी धीमे धीमे सी बारिश चल रही है, बट कपड़े गीले हो गए होते तो इस वजह से जो है मैं निकाल के लेके आ गई हूँ एंड यहाँ पे डाल दिया है। एंड मैंने जो है आफ्टरनून के बाद में जो है ब्लॉग को जो है कंटिन्यू ही नहीं किया, उसका भी रीज़न मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो एक्चुअली जो है हमारे यहाँ गेस्ट आ गए थे, हम लोग जहाँ पहले रहते थे तो वहीं पर जो है जो बाजू में रहा करते थे उन्होंने हमसे पहले जो है रूम शिफ्ट कर दी थी, तो वो आए थे हमसे मिलने। तो उनके दो बच्चे एंड पीकू ने मिलके जो है बहुत ही ज़्यादा उधम मचा लिया। मैंने उन लोगों के लिए नाश्ता वाश्ता बनाया, देन जो है मैं वो दीदी के साथ बैठ के बात करने लग गई। तो अब पीकू तो रोज़ खेलती है, पीकू के लिए यहाँ पे कुछ उतना नया नहीं है, अभी 2 हफ्ते हो गए हैं। तो बट वो जो लड़की आई थी उसके लिए बहुत चीज़ें नई थी, तो उसने वो सारी चीज़ों के लिए बहुत ये कि जैसे पेड़ों पर दीवार पर चढ़ चढ़ के उसने पेड़ों के पत्ते वत्ते बहुत तोड़े, बहुत से नींबू तोड़े, नींबू का पेड़ है सामने, ऐसे वैसे करके पूरे घर में से मतलब खिलौने फैलाए, कहीं कहीं खाने की चीज़ें फैलाई। मतलब अगर डायरेक्ट वर्ड में कहा जाए तो ऐसा लग रहा था घर में भूकंप आ गया है। एक्चुअली घर में भूकंप आ के पूरी चीज़ें जैसे बिखर जाती है, उस टाइप से घर हो गया था। हर जगह पे जो है कुछ ना कुछ चीज़ें पड़ी हुई थी। एंड आज ही जो है मैंने झाड़ू लगा के पोछा लगाया था, मैं एक दिन बाद पोछा लगा रही थी तो अभी मुझे फिर से लगाना पड़ा फिर पोछा। विवेक एक तो ड्यूटी चले गए थे, बहुत बहुत हेडेक हो गया, बहुत ज़्यादा। एंड पीकू ने अपने पैर में चोट भी लगवा ली खेलते खेलते, तो बस यही टेंशन में थी, यही सारी चीज़ें जो है कर रहे थे। एंड करते करते इतनी ज़्यादा थक गई मैं कि डायरेक्टली जाके जो है मैंने आधा एक घंटे के लिए रेस्ट ले लिया। आपको मेरे फेस से भी लग रहा होगा बहुत ही ज़्यादा जो है थके जैसे लग रहा है। अभी जो काम ज़्यादा हो नहीं रहे हैं, बट ऐसे घर को भी छोड़ के नहीं रह सकते, मुझे बाहर भी पूरा झाड़ू लगवाना पड़ा। वैसे मैं बाहर झाड़ू नहीं लगाती हूँ, जो ओनर आंटी है वो ही लगाते हैं, बट इन्होंने ऐसे फैलाने की वजह से मुझे जो है लगाना ही पड़ा फिर झाड़ू। तो मैंने झाड़ू वाड़ू लगाया, घर में डबल झाड़ू पोछा किया, सारी चीज़ें जगह पर रखी मैंने, उसके बाद में सोई हूँ। मैंने आज 4:30 बजे खाना खाया है खुद। सोचो मैं प्रेग्नेंट रह के भी मैं सुबह बनाना शेक जो पिया था उसी के ऊपर मैं पूरा दिन रुक गई थी, और अभी 4:45 बजे मैंने खाना खाया। एंड मैंने काउंटर बिल्कुल भी क्लीन नहीं किया, आप लोग देख रहे होंगे जहाँ जैसा पड़ा हुआ था मैंने वैसे ही छोड़ दिया। मैंने सुबह शूटिंग की थी, वो ट्राईपॉड भी वहीं पर है। मैंने बाकी पूरा घर समेट लिया, बस सिर्फ जो है काउंटर नहीं क्लीन की थी। एंड हम लोग गए थे, मैंने विवेक का टिफिन विफिन खाना वाना भी पहले ही बना लिया था। एंड हम लोग गए थे थोड़ी बहुत कुछ शॉपिंग करनी थी, मुझे थोड़ी बहुत चीज़ें खरीदनी थी, तो वहाँ गए थे हम लोग। तो आने के बाद में मैंने सोचा था कि बस फ्रेश होना है, रेस्ट करना है, बट कैसे ना कैसे तो काम बढ़ ही जाते हैं। तो चलिए भी मैं थोड़ा सा काउंटर क्लीन करती हूँ, उसके बाद में जो है मैं आपको अपनी छोटी सी जो है शॉपिंग जो है आप सबके साथ शेयर करती हूँ। समेट ली है एंड अभी जो है थोड़ा सा फ्रेश होकर आई हूँ, कुछ भी स्किन केयर वगैरह कुछ नहीं किया है, बस फेस वॉश करके आई हूँ मैं। बस अगर फिर ब्लॉग को एंड कर लिया जाए, वरना फिर ब्लॉग एंड करने का जो है मन ही नहीं होता है, तो ऐसे जो है मैं आ गई हूँ ब्लॉग एंड करने के लिए। तो सोचा थोड़ी देर आप लोगों से बातें कर लूँ, आप लोग अपना छोटा सा शॉपिंग हॉल जो मैं आज बाहर गई थी जो लेके आई थी वो दिखा दूँ एंड ब्लॉग को भी एंड कर दूँ, तो इसी वजह से जो है आ गई हूँ। तो हम लोगों ने जो है मैं आप लोगों को सरप्राइज बताने वाली थी, तो एक्चुअली जो है हम लोगों ने बेड खरीद लिया है। मैंने 1 हफ्ते पहले कहा था कि मैं आप लोगों को सरप्राइज दिखाऊंगी, एक्चुअली जो है हम लोगों ने फिर से एक बेड खरीद लिया है एंड इसी को जो है अटैच कर लिया है हम लोगों ने, हमारे पुराने बेड को अटैच कर लिया है एंड एक बहुत बड़ा सा बेड बन गया है अभी। मतलब 4 to 5 जन आराम से सो सकते हैं उस पर, इस टाइप वो बड़ा हो चुका है अभी।
तो इस वजह से जो है तो डबल बेड की मेरे पास बेडशीट नहीं थी, तो मैं दो अलग अलग बेडशीट मिलके बिछा रही थी, जो कि देखने में बहुत ज़्यादा बुरी लग रही थी, जो कि देखने में बहुत ही बुरा लग रहा था। एंड हमारे जो बेड है वो लिविंग रूम में है। सबसे बड़ी टेंशन ये है कि हमारे बेड जो है बेडरूम में नहीं लगाए हैं हमने, क्योंकि डबल बेड लेने का मैं सोच रही थी और डबल बेड जो है नहीं आया होता बेडरूम में। एंड फिर अलमारी वगैरह बाकी की चीज़ें नहीं आई होती, अगर डबल बेड बैठ गया तो पूरा रूम जो है उतने इसमें कवर हो गया होता, जैसे मेरी अलमीरा है, ड्रेसिंग टेबल है, ये सारी चीज़ें नहीं आई होती। एंड पीकू जो है बहुत दिनों से पीकू की इच्छा थी कि उसका एक रूम होना चाहिए, तो मैं सोचा कि फिर अगर यहाँ पे हॉल में वैसे भी जगह बची रही थी तो यहाँ पे हम लोग डबल बेड लगा देते, वरना ये इतनी जगह सोनी लगी होती। मेरे पास डाइनिंग टेबल नहीं है, वरना ये एरिया डाइनिंग एरिया बन गया होता। तो फिर मैंने सोचा कि यहाँ पे हम लोग जो है हमारा बेड का सेटअप लगा देते और पीकू के लिए वो रूम छोड़ देते, भले ही वो नहीं रहेगी बट उसकी ख्वाहिश थी, तो अब अगर हो रही है ख्वाहिश पूरी, थोड़ा अगर हमें सेक्रीफाइस करना पड़े तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, माँ बाप का दूसरा नाम सेक्रीफाइस ही होता है। तो इस वजह से जो है यहाँ पे लगाइए। तो इस वजह से आज जो हम लोग बेडशीट लेने गए थे, 3-4 दिन से जो है विवेक कह रहे थे कि चलो लेके आएंगे, चलो लेके आएंगे, क्योंकि विवेक को पता नहीं था कि कितनी बड़ी एंड कैसी बेडशीट लानी है। तो इस वजह से जो आज मैं भी चली गई थी लेने के लिए, सिर्फ बेडशीट खरीदे और वापस आ गए हम लोग, थोड़ा बहुत सब्जी वाला सब्जी वगैरह खरीद के, मुझे थोड़ी सी चीज़ें चाहिए थी। इस वजह से तो सबसे पहले जो है ये वाली बेडशीट खरीदी है मैंने, मुझे ये देखते ही बहुत अच्छी लगी। मुझे बेड पे जो है एकदम ब्राइट कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं, एंड बड़े बड़े फ्लावर्स वाले जो बेडशीट्स होते हैं ना, मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं। तो इस वजह से जो है मैंने ये वाली बेडशीट खरीदी, जो कि देखने में बहुत अच्छी लग रही है। मैं नेक्स्ट टाइम कभी डालूंगी तो आपको दिखाऊंगी, बहुत ही अच्छी लग रही थी ये मुझे। एंड इसके साथ में जो है हम लोगों ने जो है पीलो कवर लिए हैं, तो मेरे पास जो 4 पीलोज है, उस हिसाब से जो है हमने 4 पीलो कवर्स लिए हैं इसके साथ में जो है। तो ये थी मेरी बेडशीट, एंड और एक बेडशीट है जो कि आते ही विवेक ने बिछा दी, वो विवेक की चॉइस की है। जो बेड पे डाली हुई बेडशीट है वो विवेक की चॉइस की है, क्योंकि जो एक मैंने अपनी चॉइस के लिए, एक विवेक की चॉइस के लिए, क्योंकि उनके भी चॉइस की लेना ज़रूरी था इस वजह से। तो जो वो बेडशीट है वो मैं डाल चुकी हूँ। विवेक बहुत एक्साइटेड होते हैं नई चीज़ों को लेके, आते ही यूज़ कर लेते, तो उन्होंने आते ही जो है हल्का सैनिटाइजर लगाया उसको एंड डायरेक्टली बेड पे डाल दिया है। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। उसके बाद में जो है मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि खुद के लिए थोड़ा सा कुछ चीज़ें खरीदूं, बट जो है जा नहीं पा रही थी, ले नहीं पा रही थी। एंड मेरी जो चीज़ें थी, मैं कुछ दिनों में जो है बीमार थी। पीकू ने मेरे पूरे मेकअप प्रोडक्ट्स की बैंड बजा दी है, पूरे आई शेडो पैलेट तोड़ दी है उसने, कॉम्पैक्ट तो पता नहीं खाली कर दिया है उसने, क्या किया उसका तो कुछ भी पता नहीं है। लिपस्टिक भी पूरी जा चुकी है, तो जो साइड में बच्ची रहा करती थी, जिसके बारे में जिक्र मैंने आज किया कि जो आज हमारे घर में आई थी, तो वो बहुत ही शैतान बच्ची है। उसके साथ में पीकू ने मिलकर जो है पूरे मेरे मेकअप की बैंड बजा दी, साथ ही में ड्रेसिंग का जो ड्रॉअर है, जो जिसमें मेरे मेकअप के प्रोडक्ट्स रहते हैं, वो भी पूरा ख़राब कर दिया है। मेरे इतने बड़े बॉक्स भर के नेल पॉलिशेस थे, वो पूरे उसने बर्बाद कर दिए है पीकू ने, मतलब वो खुले छोड़ देती थी लगा के, तो जिसकी वजह से सारे नेल पॉलिश ड्राई हो गए हैं। एक साथ तो ऑब्वियसली कोई नहीं लेगा इतने सारे, एक एक दो दो करके मैंने अपना इतना बड़ा बॉक्स का कलेक्शन बनाया था, तो ख़राब कर दिया। तो मैंने सोचा अभी ले लेती हूँ कि इस मंथ के एंडिंग में, अगस्त के एंडिंग में या सितंबर के फर्स्ट वीक में जो है मेरी डिलीवरी है, एंड सितंबर में जो है पीकू का बर्थडे आएगा, तो फिर एकदम डिलीवरी के बाद में जो है मैं नहीं जा पाऊँगी शॉपिंग के लिए, ऑब्वियसली शॉपिंग के लिए नहीं जा पाऊँगी। एंड प्रोग्राम है घर में, तो कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें लगेगी ही, तो मैं नहीं जा पाऊँगी। इस वजह से मैंने सोचा कि मैं अभी थोड़ी थोड़ी करके चीज़ें खरीद लूँ। हाँ पीकू हर बार कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछती है। तो मैंने जो है सबसे पहले यहाँ पे बीबी क्रीम ली है। मेरी बीबी क्रीम जो है थी थोड़ी सी बची हुई, बट पता नहीं अब कहाँ चली गई है, वो पीकू ने सब ये डाल दी, क्योंकि मैं जनवरी महीने से बीमार हूँ, सोचिए आज अगस्त महीना लग गया है। तो मैंने जो ये सबसे छोटे साइज़ की बीबी क्रीम ली है, विवेक ने कहा है कि जो भी ले रही हो वो छोटे साइज के लो, एंड इसको उठा के सबसे ऊपर वाले ड्रॉर में डाल दो। अभी तो यहाँ पे वॉल में ही कबर्ड है, तो वहाँ पे तुम अपना मेकअप वाला कर दो। ये विवेक ने आज मुझे सबसे पहले कह दिया है कि बहुत महंगी चीज़ें मिलती है ऑब्वियसली, एंड फिर ये वेस्ट हो जाए तो बहुत बुरा लगता है, एंड बच्चों की स्किन पर भी असर होता है इस वजह से। तो मैंने ली है ये फेयर एंड लवली की बीबी क्रीम, काफ़ी दिनों से मैं यूज़ करने की सोच रही थी, बहुत से लोगों ने यूज़ किया है, यूट्यूब पर भी बहुत अच्छा इसका रिव्यू मिला मुझे, तो मैंने सोचा कि मैं भी यूज़ करके देखती हूँ। तो ये पॉन्ड्स की एक बीबी क्रीम ले ली मैंने, एंड साथ ही में कॉम्पैक्ट का भी मेरा हाल ख़राब हो चुका है, इस वजह से मैंने जो है ये वाला कॉम्पैक्ट लिया है ओलिविया का। लैक्मे का यूज़ करती हूँ एक्चुअली, बट मुझे वहाँ पे कुछ मिल नहीं रहा था,
तो ये जो कॉम्पैक्ट है इसके दूसरा जो है मिल नहीं रहा था। मैं लैक्मी का यूज़ करती हूँ बट मुझे जो है मिल ही नहीं रहा था वहाँ पे, तो मैं सोचा दूसरे शॉप और ढूंढते बैठे और खरीदो एक चीज़ यहाँ से एक चीज़ वहाँ से, उस टाइप का अभी टाइम नहीं चल रहा है। तो मैं सोचा कि जो मिल रहा है वो फिलहाल के लिए मैं ले लेती हूँ। वैसे ओलिविया का भी बहुत अच्छा मिलता है, सस्ता है बहुत, 110 रुपीज़ में ही मिलता है बट बहुत अच्छा है। तो इस वजह से मैंने ये कॉम्पैक्ट ले लिया है। फिर उसके बाद में नेल पॉलिश ली है मैंने, मैंने जो है लिक्विड नेल पॉलिश ली है, और ये पता नहीं ये कौन से ब्रांड के, कोई ब्रांड वैंड नहीं है, ये सिर्फ 150 रुपये में दी है उसने मुझे, बहुत सस्ती वाली है। तो ये इस टाइप में जो है रेड कलर लिया है मैंने। एक्चुअली जो है मुझे सिर्फ रेड लिपस्टिक पसंद आती है, इस वजह से जो है मैंने रेड कलर लिया एंड बहुत अच्छी लग रही है मुझे ये। यूज़ तो नहीं किया मैंने, बस ऐसे ही ट्रायल लिया था, अच्छी लग रही है। इधर उसके बाद में जो है मेरा काजल भी ख़त्म हो गया है, मतलब पीकू ने इसके अंदर का जो ब्लैक वाली जो वो होती है स्टिक, वो ही निकाल के फेंक दी है, इसलिए मैं ADS के ही काजल यूज़ करती हूँ। तो ये एक मैंने जो है काजल ली है। वैसे मुझे मेकअप का उतना कुछ बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, मैं करती भी नहीं, आप लोगों ने देखा होगा वीडियो में। अभी भी जो है मैं सिर्फ फेस वॉश करके आई हूँ, आप देख सकते हो स्वेट निकल रहा है, अगर मेकअप किया होता तो मेकअप आया होता। मैं कुछ भी नहीं करती हूँ, मैं ऐसे ही आ जाती हूँ, मुझे उतना मेकअप से ये नहीं है, लगाव नहीं है इस वजह से, एंड उतना नॉलेज भी नहीं है, अगर सच कहूँ तो उतना नॉलेज भी नहीं है। एंड देन उसके बाद में जो है मैंने नेल पॉलिश ली, तो मुझे ये जो है क्यूट क्यूट सी बॉटल लगी, एंड मुझे ऐसे अलग अलग क्यूट क्यूट सी बॉटल जमा करना बहुत अच्छा लगता है। बहुत बड़ा कलेक्शन भी बन गया था मेरा 25 से 30 नेल पॉलिश का, बट वो सारा बर्बाद हो गया है। तो मैंने एक पर्पल कलर एंड ये एक डार्क ग्रेइश कलर है, इसमें हल्का सा जो है वो ये है शाइनिंग वाला, तो ये दो लिए हैं मैंने। ये देखने में मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे, इस वजह से ये दो नेल पॉलिश ले लिए। उसके बाद में जो है साड़ी के साथ पहनने के लिए जो है मैंने ये कंगन का सेट लिया है। मैंने अभी दिवाली में एक बहुत अच्छा वाला लिया था सेट, मतलब बहुत हेवी था, बहुत स्टोन के साथ में, बट मेरे मम्मी को जो है वो पसंद आ गया, तो मैं दिवाली में उन्हीं के यहाँ छोड़ के आ गई थी, मैंने यूज़ ही नहीं किया, मैंने मम्मी को डायरेक्ट दे दिया। तो ये जो है ये खरीदा है मैंने अभी फिलहाल, उनके पास वैसे भी ज़्यादा नहीं थे बट उनमें से मुझे ये अच्छा लगा तो मैंने ये खरीद लिया। मैं आपको पहन के दिखाती हूँ, मुझे तो बहुत पसंद है, मुझे ऐसे कड़े बहुत पसंद आते हैं बट पहनती नहीं हूँ मैं। ये इस टाइप में है, तो आप चाहे तो ये ऐसे एक एक सेट करके भी पहन सकते हैं, या तो फिर इसमें चूड़ियाँ भी फिक्स करके हम लोग पहन सकते हैं। तो मैं खरीद के तो रखती हूँ बट पहनती नहीं हूँ, खरीदने का बहुत शौक है मुझे बट पहनती नहीं हूँ। तो ये एक सेट खरीदा है, बस इतनी थी मेरी छोटी सी शॉपिंग। और भी थोड़ी बहुत चीज़ें मुझे जो है लानी है, तो वो मैं नेक्स्ट टाइम कभी जाऊँगी तो लूँगी। बहुत भीड़ है एंड वो लोग दुकान के अंदर नहीं आने दे रहे हैं, दुकान के दरवाजे पे ही जो है उन्होंने ब्लॉक कर रखा है, एंड वहीं पर जो है वो सबसे पूछते हैं क्या क्या चाहिए एंड उनको एक एक चीज़ें ला के देते हैं। तो इस वजह से जो है बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, तो नहीं खरीद पाई मैं ज़्यादा कुछ। बट फिर और थोड़ी बहुत चीज़ें जब नेक्स्ट टाइम जाऊँगी तब लेके आऊँगी, तो आप लोग साथ तब भी जो है वो शेयर करूँगी मैं। तो चलिए फिर इस ब्लॉग को फिलहाल यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं कल के नेक्स्ट अच्छे से एक ब्लॉग के साथ। होप कि कल अच्छे से उठूँ मैं एंड अच्छे से जो है बना पाऊँ ब्लॉग। तो मिलती हूँ मैं कल के एक अच्छे से नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। ये ब्लॉग अगर आप लोग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।